हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। सो ये एक इकोलॉजी का एक चैप्टर है। इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी? तो बायोजियोग्राफी बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड द रीज़न फॉर देयर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स टू से कि कोई एक हम जियोग्राफिकल एरिया लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि कौन से डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे प्रेजेंट है और क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ऑल दोज स्पीशीज टू बी प्रेजेंट देयर, ठीक है, और क्या पैटर्न है उनका डिस्ट्रीब्यूशन का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कम है या ज़्यादा है, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स वी स्टडी इन बायोजियोग्राफी। नाउ व्हाट इज आइलैंड, ठीक है। सो जब भी आइलैंड की बात आती है, वी ऑलवेज थिंक कि एक समुंदर है और वहाँ पे एक लैंड है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज आइलैंड। नो, आइलैंड मीन्स सपोज दीज आर टू हैबिटेबल प्लेसेस, मतलब ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीशीज रह सकती हैं, ठीक है। ये ए जो है, इट इज़ अ स्पीशीज, ये दोनों स्पीशीज जो ये स्पीशीज जो है, ये इस जगह पे भी रह सकती है और इस जगह पे भी रह सकती है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्लेसेस हैं, ये ए के लिए हैबिटेबल हैं, ठीक है, हैबिटेबल, ओके। लेकिन ये दोनों प्लेसेस जो हैं, जो हैबिटेबल प्लेस है, ये सेपरेटेड है, इनके बीच में कोई ऐसी जगह है जो कि इनहैबिटेबल है, ठीक है, जहाँ पे ये स्पीशीज नहीं रह सकती। तो ऐसी हैबिटेबल प्लेस, ठीक है, जो कि इनहैबिटेबल प्लेस से सेपरेटेड हो, उसे हम कहते हैं आइलैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो लैंड है, लैंड मासेस हैं, ठीक है, और इनके बीच में पानी आ जाए, ठीक है। तो ए स्पीशीज़ जो कि टेरिस्ट्रियल है, वो सिर्फ लैंड पे रह सकती है, वाटर में नहीं रह सकती। तो ए के लिए ये वाटर इनहैबिटेबल हो गया, तो इस तरीके से ये आइलैंड बन गया। अगर ये दो वाटर बॉडीज़ हैं और बीच में लैंड है, तो भी ये आइलैंड बन जाएगा। तो डोंट थिंक आइलैंड मीन्स जस्ट अ पीस ऑफ लैंड प्रेजेंट इन अ ओशन और सी। नो, एनी लैंड विच इज़ सेपरेटेड बाई इनहैबिटेबल लैंड, ठीक है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो मार्शेज एंड स्वैम्प्स वगैरह, सवानास वगैरह भी इसी कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। सो आइलैंड की डेफिनेशन क्या है? एनी पीस ऑफ हैबिटेबल लैंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर हैबिटेबल प्लेसेस बाई इनहैबिटेबल एरिया इज एन आइलैंड। तो इसमें क्या होगा, एक एरिया जो होगा बड़ा सा हो, एक एरिया छोटा होगा और एक जो एरिया होगा ना वो बड़ा होगा, ठीक है। तो जो बड़ा एरिया है उसको हम मेन लैंड कहेंगे, ठीक है, और जो छोटा है वो आइलैंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी स्पीशीज आएंगी इस आइलैंड पे, इस मेन लैंड से ही आएंगी, ठीक है। अभी ये मेन लैंड का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक। तो दिस इज़ आइलैंड। सो रॉबर्ट मैकआर्थर और ईओ विल्सन ने जो है एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। सो मैकआर्थर विल्सन थ्योरी के नाम से भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट दिस थ्योरी स्टेट, तो स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ अ गिवन टैक्सोन प्रेजेंट ऑन आइलैंड और विद इन अ पैच रिप्रेजेंट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द रेट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ न्यू कॉलोनाइजिंग स्पीशीज ऑफ दैट टैक्सोन एंड रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियसली एस्टेब्लिश स्पीशीज। सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे कितनी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी नई स्पीशीज़ आ रही हैं, तो उसे हम इमिग्रेशन कहेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या है, प्लस जो स्पीशीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें से कितनी एक्सटेंट हो रही है, तो रेट ऑफ एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, ये डिटरमाइन करेगा कि उस आइलैंड पे कितनी स्पीशीज़ रहेंगी, ठीक है। और फिर एक पॉइंट आएगा, द पॉइंट एट विच रेट ऑफ इमिग्रेशन इक्वल्स रेट ऑफ एक्सटेंशन डिटरमाइन साइज ऑफ स्पीशीज पूल प्रेजेंट ऑन द आइलैंड, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इमिग्रेशन और एक्सटेंशन जो है मोर और लेस इक्वल होगा, तो वो हमें बताएगा कि वहाँ पे स्पीशीज कितनी है, ठीक है। नाउ
वॉट ऑल दी फैक्टर्स, ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जो इमिग्रेशन और एक्सटेंशन रेट को डिटरमाइन करते हैं? तो फर्स्ट इज़ दी साइज ऑफ दी आइलैंड, कि आइलैंड का साइज़ क्या है, ठीक है, स्मॉल है या फिर लार्ज है, डिस्टेंस फ्रॉम दी मेन लैंड, ठीक है, वेदर इट इज़ फार और नियर, एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दी कॉरिडोर. सो वॉट इज़ कॉरिडोर? कॉरिडोर मीन्स सम कनेक्टिंग एरिया, ठीक है, ये दो आइलैंड्स हैं तो इनके बीच में जो है कोई कनेक्टिंग लैंड मास हो या कोई भी कनेक्टिंग एरिया हो जिससे कि यहाँ से स्पीशीज़ उठ के इस आइलैंड पे जा सके. तो ये भी आपके जो है स्पीशीज़ साइज को, इमिग्रेशन और एक्सटेंशन को अफेक्ट करता है. सो नाउ वील सी ये सारे फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइज़ ऑफ द आइलैंड. इफ़ द आइलैंड इज़ वेरी स्मॉल, सो ऑब्वियस सी बात है छोटा सा आइलैंड है तो कम स्पीशीज आएंगी, तो इमिग्रेशन लो होगा बिकॉज आइलैंड कैन नॉट होल्ड लार्ज नंबर ऑफ द स्पीशीज. सो एक्सटेंशन भी हाई होगा, जब स्पीशीज आ नहीं रही हैं, कम हैं, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो मर भी रही होंगी, ठीक है. तो फॉर स्मॉल आइलैंड इमिग्रेशन लो, एक्सटेंशन इज हाई. इफ़ द आइलैंड साइज इज़ लार्ज, तो ज़्यादा बड़ा है तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ आएंगी, तो एक्सटेंशन लो हो जाएगा, ठीक है. इफ़ वी कंसीडर द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड, ठीक है, तो अगर फार है, बहुत दूर है, ये जो मेन लैंड हमने बनाया था, अगर ये बहुत दूर है आइलैंड से, तो यहाँ इतनी दूर से स्पीशीज़ को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो कम आएंगी, तो इमिग्रेशन लो होगा, एक्सटेंशन हाई हो जाएगा. अगर ये नियर है तो इमिग्रेशन हाई हो जाएगा और एक्सटेंशन लो हो जाएगा. उसी तरह अगर कॉरिडोर प्रेजेंट है आपका, ठीक है, तो आपका जो इमिग्रेशन है हाई रहेगा, क्योंकि कॉरिडोर है तो आसानी से इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे स्पीशीज जा सकती हैं, ठीक है, एक्सटेंशन लो हो जाएगा. अगर कॉरिडोर एब्सेंट है तो आपका इमिग्रेशन लो होगा, एक्सटेंशन हाई होगा. तो ये चार्ट एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा, बस इतना ही है. ये अगर आपको ये समझ आ गया तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे जो ग्राफ है. तो सिंपल सा इसी चार्ट को जस्ट स्टेटमेंट वाइज लिख दिया है कि इमिग्रेशन हाई कब होगा, जब लार्ज एंड नियर आइलैंड होगा विथ कॉरिडोर प्रेजेंट, ठीक है. इमिग्रेशन लो कब होगा, व्हेन इट इज़ स्मॉल साइज फार आइलैंड विदाउट कॉरिडोर. एक्सटेंशन हाई कब होगा, जब स्मॉल और फार आइलैंड है विदाउट कॉरिडोर. एंड एक्सटेंशन लो कब होगा, जब लार्ज एंड नियर आइलैंड है विथ कॉरिडोर, ठीक है. तो अब इसी के बेसिस पे हम बनाते हैं इमिग्रेशन कर्व. तो इमिग्रेशन कर्व हमें क्या बताती है कि जो रेट ऑफ इमिग्रेशन है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस और साइज ऑफ द आइलैंड पे, ठीक है, कि आइलैंड का साइज़ क्या है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड क्या है, वही डिटरमाइन करेगा कि इमिग्रेशन हाई होगा कि लो होगा. सो अगर हम ये ग्राफ देखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ रेसिडेंशियल स्पीशीज, रेसिडेंट स्पीशीज मतलब ऑलरेडी आइलैंड पे जो स्पीशीज प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, यहाँ जाके मैक्सिमम स्पीशीज पूल हो जाएगा. और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम रेट ऑफ इमिग्रेशन बनाएंगे. तो अगर आप देखें ये रेड लाइन जो है, ठीक है, रेड कर्व जो है, ये मोर इमिग्रेशन है, रेट ऑफ इमिग्रेशन यहाँ हाई है. तो ये हाई कब होगा रेट ऑफ इमिग्रेशन, जब आपका लार्ज और नियर आइलैंड होगा और कॉरिडोर प्रेजेंट है, ठीक है. और अगर ये ग्रीन लाइन है, इमिग्रेशन लेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लेस कब होगा आपका, जब आपका स्मॉल और फार आइलैंड होगा एंड कॉरिडोर इज एब्सेंट, ठीक है. एक ख़ास बात और याद रखनी है कि शुरू में इमिग्रेशन हाई होगा, बट एज द नंबर ऑफ स्पीशी रेसिडेंट स्पीशीज इंक्रीजेस, जैसे जैसे आइलैंड पे स्पीशीज बढ़ती जाएगी ना, एक टाइम आएगा जहाँ पे मैक्सिमम स्पीशीज पूल हो जाएगा, अब वहाँ रेट ऑफ इमिग्रेशन ज़ीरो हो जाएगा. तो ये कर्व आप देख सकते हैं यहाँ आके पूरा यहाँ ज़ीरो हो गया है. क्यों? क्योंकि अब वो आइलैंड ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता. जैसे पहले ये था, पहले एक स्पीशीज थी तो और आई, ऐसे करके बहुत सारी स्पीशीज बढ़ती गई, ठीक है. तो अब ये आइलैंड पे जगह नहीं है कि और इमिग्रेंट को वो होल्ड कर सके, तो फिर फाइनली रेट ऑफ इमिग्रेशन ज़ीरो हो जाता है, ठीक है. तो ये इमिग्रेशन कर्व है. नाउ इसी तरीके से हम एक्सटेंशन कर्व बनाएंगे, रेट ऑफ एक्सटेंशन, और इसमें भी नंबर ऑफ रेसिडेंट स्पीशीज़,
ठीक है, इसमें भी यही चीज़ बताई है कि एक्सटिंक्शन हाई कब होगा और लो कब होगा, वो आपने फैक्टर यहाँ पे देख लिया है, हाई और लो कब होगा। ठीक है, अब हम जो समझेंगे यहाँ पे उससे ये मेन चीज़ है, इसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, जो इमिग्रेशन कर्व थी और एक्सटिंक्शन कर्व थी दोनों को मिला के हमने एक पूरा ग्राफ बना दिया है। तो ये इधर वाली इमिग्रेशन की कर्व है, इधर वाली एक्सटिंक्शन की कर्व है। तो जब आप इसे बनाएंगे तो कुछ पॉइंट्स पे ये क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं S1, S2, S3, S4, दे आर दी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या होता है, जो स्पीशीज़ का नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर 10 स्पीशीज़ है ना तो 10 ही रहेंगी। ठीक है, हर पॉइंट पे मतलब हर पॉइंट पे 10 नहीं रहेंगी, पर जैसे S1 पे 10 है तो 10 रहेंगी हमेशा, S2 पे 5 है तो 5 ही रहेंगी। मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होंगी, बल्कि यहाँ इधर और कहीं पॉइंट होंगे वहाँ चेंज हो सकती है, पर इन पॉइंट्स पे ये कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि इन पॉइंट में जो है किस पे जो है सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, स्पीशीज़ का नंबर, और किस पॉइंट पे सबसे कम होगा। तो यहाँ पे समझने के लिए हमें फैक्टर्स ले, कौन सा फेवरेबल फैक्टर है, कौन सा अनफेवरेबल फैक्टर है। तो स्पीशीज़ का नंबर कब ज़्यादा होगा, जब इमिग्रेशन हाई रहे और एक्सटेंशन लो रहे। ठीक है, अगर ये दो ये फैक्टर है ना, तो इसे हम बोलेंगे कि बोथ आर फेवरेबल फैक्टर, बहुत फेवरेबल है। ठीक है, तो जहाँ जिस पॉइंट पे भी ये कंडीशन होगी वहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ होंगी। अगर कहीं पे इमिग्रेशन लो है और एक्सटिंक्शन हाई है, ठीक है, तो ये क्या है, बोथ आर अनफेवरेबल फैक्टर, कि इमिग्रेशन भी लो है और एक्सटेंशन भी हाई है, तो ये दोनों अनफेवरेबल है। तो सबसे कम लोएस्ट अमाउंट ऑफ स्पीशीज इस पॉइंट पे रहेंगी और यहाँ सबसे हाईएस्ट होंगी। और अगर किसी पॉइंट पे एक फैक्टर फेवरेबल दूसरा अनफेवरेबल होता है ना, तो वहाँ पे स्पीशीज़ का नंबर जो होगा मॉडरेट अमाउंट में होगा। ठीक है, तो वही चीज़ लेके हम समझेंगे। जैसे S1 पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहले हम S1 देखते हैं। ये S1 में कौन सी दो लाइन को क्रॉस कर रहा है, एक ये एक्सटेंशन वाली लाइन है। एक्सटेंशन यहाँ हाई है लेकिन इमिग्रेशन भी हाई है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हाई मतलब एक फैक्टर तो फेवरेबल है लेकिन दूसरा फैक्टर अनफेवरेबल है, क्योंकि एक्सटेंशन भी हाई हो जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फेवरेबल फैक्टर तो है कि इमिग्रेशन हाई है, लेकिन अनफेवरेबल फैक्टर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल S1 पे। अब हम आते हैं S2 पे। S2 कहाँ है आपका, ये है, यहाँ पे क्या है, इमिग्रेशन तो लो है लेकिन इमिग्रेशन लो है लेकिन एक्सटेंशन हाई हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना दोनों ही फैक्टर जो है अनफेवरेबल है, इमिग्रेशन भी लो हो गया एक्सटेंशन भी लो हो गया, तो सबसे लोएस्ट अमाउंट ऑफ स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अगर S3 पे आते हैं हम, S3 यहाँ देखिए ये है, S3 में क्या है, एक्सटेंशन लो है लेकिन इमिग्रेशन भी लो है, मतलब एक फैक्टर फेवरेबल एक अनफेवरेबल। एक्सटेंशन लो है, ये फेवरेबल फैक्टर है, लेकिन आपका इमिग्रेशन भी लो है, ये अनफेवरेबल है। ठीक है, अब S4 पे आते हैं, व्हाट इज़ दिस S4, ये यहाँ पे एक्सटेंशन लो है ये वाली लाइन लेकिन इमिग्रेशन हाई है, तो यहाँ पे दोनों फैक्टर फेवरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों फैक्टर फेवरेबल कहाँ है, S4 पे, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज S4 पे होंगी। दोनों फैक्टर अनफेवरेबल किस में है, S2 में है, तो सबसे कम स्पीशीज S2 में होंगी। लेकिन S1 और S3 में इक्वल नंबर ऑफ स्पीशीज रहेंगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल फैक्टर है। तो ये इस तरीके से आपको इस ग्राफ को समझना है। ठीक है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, विल डिस्कस द क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, नाउ वी विल सी, ओके, अब हम देखेंगे कि इस थ्योरी के जो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी है इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। सो ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो आपका जो
आइलैंड पे जो स्पीशीज पूल है ना, जो भी कितनी स्पीशीज रहेंगी उसमें, जो है साइंटिस्ट ने सिर्फ दो ही फैक्टर लिए थे, इमिग्रेशन और एक्सटेंशन, जबकि इन्होंने इन सिटू या नेटिव स्पीशीज को वहाँ पे कंसीडर नहीं किया था। मीन्स टू से कि ज़रूरी थोड़ी आइलैंड पूरा एम्प्टी हो, ऑलरेडी कुछ स्पीशीज वहाँ प्रेजेंट हो सकती है ना, उस स्पीशीज को, उस फैक्टर को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ये माना था कि अगर आइलैंड लार्ज है तो ज़्यादा रिसोर्स वेरिएबिलिटी होगी, मतलब ज़्यादा स्पीशीज आएंगी। हमने यही देखा ना कि लार्ज आइलैंड है तो मोर इमिग्रेशन, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्पीशीज कब ज़्यादा आएंगी? व्हेन देयर इज अ मोर रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स की वेरिएबिलिटी हो, रिसोर्स ज़्यादा हो तब स्पीशीज आएंगी। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट लार्ज आइलैंड विल हैव मोर रिसोर्स। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रह गया। ठीक है, अब इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एक और थ्योरी बनाई गई, इसी थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और बनाया गया, यूनिफाइड न्यूट्रल थ्योरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोजियोग्राफी। ये दिया था स्टेफन पी हबेल ने। इन्होंने ये बोला था, इस थ्योरी में ये अज्यूम किया गया था कि सिर्फ इमिग्रेशन और एक्सटेंशन जो है ना किसी स्पीशीज साइज को नहीं कंट्रोल करता, बल्कि बहुत सारे पॉपुलेशन फैक्टर भी होते हैं। डेथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मोर्टैलिटी, नेटैलिटी, बहुत सारे इवोल्यूशनरी फैक्टर्स होते हैं आपके, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, ये सारे मिल के जो है स्पीशीज साइज को कंट्रोल करते हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली इन सिटू इवॉल्व स्पीशीज को भी कंसीडर करती है, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे आइलैंड पे स्पीशीज प्रेजेंट थी उनको भी ये कंसीडर करती है। ठीक है, तो जस्ट रॉबर्ट और विल्सन की थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया था। राइट नाउ जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए, विदाउट एप्लीकेशन हमें कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ें पढ़ने की। तो ये पूरी जो थ्योरी पढ़ी है हमने आइलैंड बायोजियोग्राफी, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ना है, एप्लीकेशन क्या है इसका? तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम नेशनल पार्क्स बनाते हैं, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं, तो हम कैसा बनाएं और कहाँ बनाएं, क्योंकि ऐसी रैंडम उठा के आप कहीं भी नहीं बना सकते। सो यू शुड डिसाइड ऑल दी फैक्टर्स कि कितने एरिया में बनना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसके सराउंडिंग में कैसा लैंड होना चाहिए या वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है ये बायोजियोग्राफी थ्योरी जो है, आइलैंड थ्योरी, ये काम आती है। तो वही चीज़ है, यूज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी इन डिज़ाइनिंग नेचुरल रिजर्व। सो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि कोई भी नेचुरल रिजर्व बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो होता है उसका जो शेप होना चाहिए वो सर्कुलर होना चाहिए। मीन्स टू से उस नॉट सर्कुलर एग्जैक्टली, बट सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप बना रहे हो ना, जो एरिया आप ले रहे हो उसमें एरिया बाई पैरीमीटर रेशियो जो होना चाहिए मैक्सिमम होगा, उसकी एजेस बहुत कम होनी चाहिए। मतलब आपका जो जो भी आप बना रहे हो ना, ये ऐसा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये एजेस होती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड बायोस्फेयर या नेचुरल रिजर्व। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। तो एरिया वाई पैरीमीटर रेशियो जब आप मैक्सिमम करोगे तो बेस्ट जो शेप आएगा वो सर्कुलर आएगा। तो आपका जो नेचुरल रिजर्व है या जो भी नेशनल पार्क है, जो भी बना रहे हो, वो सर्कुलर शेप का होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्सल कॉरिडोर। ठीक है, ये प्रेजेंट डिस्पर्सल कॉरिडोर प्रेजेंट होना चाहिए फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर ड्वेंडलिंग पॉपुलेशन। ड्वेंडलिंग पॉपुलेशन मतलब जो पॉपुलेशन कम हो रही है, मान लो किसी रीजन की वजह से, मान लीजिए एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया आपने, ठीक है, यहाँ पे सारे एनिमल्स रह रहे थे, अचानक से आग लग गई, फायर हो, ठीक है, आग लग गई, अब ये एनिमल जाएंगे कहाँ, ठीक है, यहाँ से भागेंगे, तो भागने के लिए फिर एक कनेक्टिंग डोर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ये यहाँ से निकल के जा सके। ठीक है, अगर ये डोर नहीं है, इसी में फंस गए तो सारे मर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है एक डिस्पर्सल कॉरिडोर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
और नेक्स्ट है आपका कि जो इसका सराउंडिंग एरिया होना चाहिए ना वो सिमिलर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने जो रिज़र्व बनाया है वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए बनाया है, ठीक है, तो इसके आसपास का एरिया भी टेरेस्ट्रियल ही लैंड ही होने चाहिए. ऐसा नहीं वाटर होना चाहिए कि पता चला हाथी को भागना है तो हाथी बाहर निकला तो सीधे पानी में डूब गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इस सिमिलर हैबिटेट होने चाहिए, ठीक. और ये बोला है कि एरिया शुड बी लार्ज, ठीक है, जो एरिया है वो लार्ज होना चाहिए, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच स्पीशीज़ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट. अब आपको एक बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करना है तो बटरफ्लाई के लिए जस्ट एक ट्री काफ़ी है, उसको एक बड़ा सा लैंड नहीं चाहिए, ठीक है. जबकि अगर आपको बड़े एनिमल टाइगर वगैरह प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट करने हैं तो टाइगर के लिए तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आइलैंड बायोजियोग्राफी. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आई शो यू, ठीक है. ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जस्ट जो अभी हमने बताया है, ठीक है. तो इसमें एज इट इज़ डायग्राम बनाया था और आपको पूछा था इसमें से कि विच इज़ विच विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ गुड फॉर नेचुरल रिज़र्व, ठीक है, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है. तो जैसे ये बनाया इन्होंने, बोला ये लिंक्ड रिज़र्व है, मतलब इसमें कॉरिडोर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये बोल रहा है लार्ज कॉम्पैक्ट शेप, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट शेप है. ये बोल रहा है हाई एच टू एरिया रेशियो है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और सराउंडिंग एरिया ऑफ सेम इकोसिस्टम, ठीक है. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही कॉम्बिनेशन है. तो एक तो ये सही है, सराउंडिंग एरिया जो है सेम इकोसिस्टम का होना चाहिए, अभी हमने देखा, ठीक है, एस तो सही है, तो तीनों जगह एस है, फर्स्ट को कट कर दीजिए. फिर है आपका आर नहीं होना चाहिए, क्यों, अभी हमने देखा एजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, सर्कुलर शेप होना चाहिए, तो जहाँ पे भी आर आ रहा है उसे कट कर दीजिए. तो ये तीनों ऑलरेडी कट हो गए, तो आंसर अपने आप पी क्यू एस आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था. दूसरा ये क्वेश्चन 2018 का आया हुआ है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें ये बोला है कि एक फॉरेस्ट फ्रैगमेंट है इन एन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप कैन बी व्यूड एज आइलैंड ऑफ हैबिटेट इन एन ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट. सिंपल सा बोल रहा है, एक फॉरेस्ट फ्रैगमेंट है, ठीक है, और उसको हम आइलैंड की तरह मान रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपको ये बताना है कि कौन सा जो फॉरेस्ट का फ्रैगमेंट है ना वो सबसे बेस्ट है, स्पीशीज रिचनेस किस में ज़्यादा होगी. यूज टू प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ स्पीशीज रिचनेस इन दिस फॉरेस्ट फ्रैगमेंट. सो अब आप ये देखिए, ये फ्रैगमेंट एरिया है एक्स एक्सिस पे, मतलब यहाँ से यहाँ आपका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब आइलैंड का साइज़ बढ़ रहा है. अगर आप इस फ्रैगमेंट एरिया को आइलैंड मानते हैं तो ये आइलैंड का साइज़ है और ये स्पीशीज़ की रिचनेस है. तो हमें पता है जैसे जैसे आइलैंड का साइज़ बढ़ेगा स्पीशीज़ की रिचनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है. तो ये ग्राफ सही है, ओके. नाउ यहाँ पे आइए आप, ये कह रहा है फ्रैगमेंट एरिया अगेन स्पीशीज रिचनेस. तो क्या फ्रैगमेंट एरिया मतलब आइलैंड का साइज़ बढ़ता है तो स्पीशीज़ घटती है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए घटता हुआ बता रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका. अब ये आता है डिस्टेंस टू नियरेस्ट फ्रैगमेंट. ये बता रहा है कि आइलैंड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन लैंड, बस यहाँ पे आइलैंड और मेन लैंड लिखने की बजाय इन्होंने फ्रैगमेंट एरिया लिख दिया और कंफ्यूज कर दिया, बस और कुछ नहीं है. और ये स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो स्पीशीज रिचनेस घटती है या बढ़ती है? घट जाती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूर रहेगा तो कम स्पीशीज़ आ पाएंगी. तो ये तो उल्टा बोल रहा है कि जैसे जैसे फ्रैगमेंट बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है आपकी साइज़ बढ़ रही है. नहीं, ये आंसर नहीं आएगा. यहाँ पे आ जाते हैं आप, तो जैसे जैसे डिस्टेंस जो है आपका बढ़ रहा है स्पीशीज़ भी की रिचनेस घटती जा रही है. तो आंसर आपका पी एन एस आना चाहिए. तो लेट अस सी पी एन एस ऑप्शन, या इट्स देयर. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आइलैंड बायो जियोग्राफी. एनी डाउट यू कैन कमेंट, ओके, राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.